आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक दिलचस्प कहानी, बूढ़े गिद्ध की सलाह। एक बार गिद्धों का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुँचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सबके बीच एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह जब युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवा गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी कोई मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए सबसे बोला, इस टापू में रहते हुए हम बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए थे। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सटिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू के आराम की ज़िंदगी छोड़ जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहाँ से चला गया। कुछ महीने बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुँचा। टापू पर जाकर उसने देखा कि वहाँ का नज़ारा बदला हुआ था। जहाँ देखो वहाँ गिद्धों की लाश पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की हालत कैसी हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ में यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं, हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम किसी पर भी हमला नहीं कर सकते और न ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने का ये फल हमें मिला है। मित्रों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अक्सर आरामदायक जीवन जीने में आराम तो रहता है, लेकिन उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चुनौतियों के आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कभी भी कंफर्ट जोन में जाकर ना तो खुश होइए, खुद को हमेशा चुनौतियां देते रहिए और मुसीबत के लिए तैयार रहिए। जब आप चुनौती का सामना करते रहेंगे, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे।